नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे से YouTube चैनल विजिटेरिया में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी स्टेट्स के बार काउंसिल के साथ मिलकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। निर्णय यह लिया है कि जो भी लॉ ग्रेजुएट हैं और जो जुडिशल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर ये है कि अब किसी भी जुडिशल सर्विसेज एग्जाम देने से पहले अब स्टूडेंट्स को 3 साल का प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। तो क्या कुछ BCI ने और क्या कुछ स्टेट के बार्स ने फैसला लिया है, आज के इस वीडियो में हम पूरी बात आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहिएगा इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको कानून से संबंधित लेटेस्ट जानकारियां इस चैनल के माध्यम से रोज मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी स्टेट्स के बार्स को यह नोटिफिकेशन भेजा है कि अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने LLB की है या जिन्होंने लॉ के फील्ड में हैं और जो जुडिशल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अब मिनिमम 3 साल कोर्ट प्रैक्टिस अनिवार्य कर दी गई है। यानी वह 3 साल के प्रैक्टिस के बाद ही योग्य होंगे किसी भी जुडिशल सर्विसेज का एग्जाम देने के लिए और जूनियर डिवीजन का जज बनने के लिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का यह मानना है कि जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट हैं और वह फर्स्ट टाइम में ही अगर जुडिशल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं और वह मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, तो वह थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि जब वह किसी केस का निपटारा करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम आती है, वह चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। साथ ही साथ बार और बेंच का जो एक महत्वपूर्ण रिलेशन होता है, उसको भी वह मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि उम्र में थोड़ी सी कमी होने की वजह से और एक्सपीरियंस कम होने की वजह से जितने भी नए फ्रेशर्स मजिस्ट्रेट होते हैं, वह बार के बुजुर्ग और सीनियर एडवोकेट के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं और साथ ही साथ मुकदमे को सही तरीके से निपटा नहीं पाते हैं। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट्स के बार्स ने मिल करके एक एप्लीकेशन फाइल की है, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस की इंतज़ार है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइंस यह तय करे कि अब मिनिमम 3 साल की प्रैक्टिस को अनिवार्य कर दिया जाए किसी भी जुडिशल सर्विस के एग्ज़ाम को देने से पहले। अभी तक यह व्यवस्था थी कि कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएट हो करके, लॉ ग्रेजुएट हो करके वह सीधे जुडिशल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे सकता था और वह मजिस्ट्रेट बन सकता था, लेकिन अब इस व्यवस्था खत्म करने की अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह आ जाएगा तो आने वाले जितनी भी वैकेंसियां हैं उस पर यह लागू हो जाएगा और अब मिनिमम 3 साल के कोर्ट प्रैक्टिस को अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। तो दोस्तों, यह थी एक जानकारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। यदि आपको किसी प्रकार से कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल विधि टेरिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।